हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। आजकल इंग्लिश बोलना जरूरत बन गई है और हर वक्त की नजाकत भी यही है कि इंग्लिश बोलना सीखा जाए। जरूरत इसलिए है कि कई जगह इंग्लिश बोलना अनिवार्य होता है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और नजाकत इसलिए भी है कि इंग्लिश एक सोशल स्टेट बन गया है। अगर आप इंग्लिश बोलना जानते हैं तो आप ज्यादातर लोगों की नजरों में पढ़े लिखे माने जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आपको सिंपल नॉर्मल इंसान माने जाएंगे। आज मैं आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला, अगर आपने उनको जान लिया ना तो आपका दिमाग खुला का खुला रह जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज तक ऐसी वीडियो किसी ने भी अपने चैनल पे बनाई नहीं होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाकर उसको ज्वाइन कर लो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, हकीकत को समझो और फ्रॉड से बचे। फ्राटेदार इंग्लिश बोलना मात्र 30 दिनों में। आपने ये लाइन कभी ना कभी तो सुनी होगी और कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ आपने जरूर देखा होगा। ये कभी किताबों के टाइटल में रहता है तो कभी यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में, और सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है एडवर्टीजमेंट में। इस तरीके का डायलॉग इस्तेमाल करके लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। आमतौर पर लोगों की साइकोलॉजी यही होती है कि वो चीजों को जल्दी से जल्दी सीखी जाए और जल्दी से जल्दी उस चीज को सीख कर वो अपने आप को आगे बढ़ाए। इस चीज का कई किताबों के लेखक और कोर्स के विक्रेता गलत फायदा उठाते हैं। इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं वो 30 दिनों के अंदर, वो 30 दिनों के अंदर इंग्लिश फराटेदार बोलना नहीं जानते और वो मायूस हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है और उनके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। आप पहले खुद से पूछो 30 दिनों के अंदर आप कैसे इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। ये सारी चीजें एक तरीके से फ्रॉड होती है और वो आपसे सिर्फ 30 दिनों के अंदर बोलते कि हम आपको 30 दिनों के अंदर इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। लेकिन आप पहले खुद से पूछो, क्या हम 30 दिनों के अंदर फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं? इंग्लिश दोस्तों एक लैंग्वेज है, उसको आपको सीखनी पड़ती है, उसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जैसे कि आप मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। 1 महीने के अंदर आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो? दोस्तों इंग्लिश एक सीडी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा, तब जाके आप इंग्लिश में मास्टर हो सकते हो। खुद से पूछो जाके आप 1 महीने के अंदर इंग्लिश कैसे बोल सकते हो। आपको हकीकत को समझना पड़ेगा और आपको फ्रॉड से बचना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं, अगर आपको किसी चीज के अंदर मास्टर होना है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे कितना टाइम लग जाए, 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, 3 महीने लगे या 1 साल लग जाए, आपको पहले सीखते रहना पड़ेगा। जब तक आपको उस चीज के अंदर आपकी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती तब तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनो। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको फ्रॉड से कैसे बचना है और हकीकत को कैसे समझना है। अगर आपको इंग्लिश सीखने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। किसी भी भाषा को बोलना और सीखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे बोला जाता है और कैसे पता चलेगा कि ये शब्द हमको कैसे बोलना है। इसीलिए इंग्लिश बोलना अगर आपको सीखना है, शुरुआत में आपको इंग्लिश बोलना नहीं है, आपको पहले सुनना पड़ेगा। आपको अपने कानों से ध्यान से आपको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा कि ये सेंटेंस, ये वर्ड क्या है और इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, उसको समझना पड़ेगा। डिक्शनरी का आप सारा ले सकते हो, यूट्यूब का आप सारा ले सकते हो, गूगल का आप सारा ले सकते हो इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी अगर आपको फराटेदार इंग्लिश बोलना है तो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर लो दोस्तों। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।